आज पीएम मोदी वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी के साथ सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, कपिल देव, रवि शास्त्री सहित करीब 12 पूर्व इंटरनेशनल क्रिकेटर मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी यहां कई परियोजनाओं और स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे। काशी के जिस स्टेडियम के बारे में सुनकर, उसकी तस्वीरें देखकर क्रिकेट फैन से लेकर शिव भक्त तक खुशी से झूम उठते हैं, उस स्टेडियम के शिलान्यास का समय आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज साक्षात शिव जैसे लगने वाले स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे। 451 करोड़ रुपए की लागत से करीब 31 एकड़ में बनने वाले इस स्टेडियम को भगवान शिव से जुड़ी थीम पर बनाया जाएगा। स्टेडियम के सामने की ओर बनने वाला मीडिया सेंटर भगवान शिव के डमरू की तरह होगा। वहीं मैदान को रोशन करने वाली फ्लड लाइट्स त्रिशूल के आकार की होंगी। स्टेडियम की छत अर्धचंद्राकार होगी, यानी शिव के मस्तक पर विराजमान चंद्रमा की तरह। प्रधानमंत्री मोदी हेलीकॉप्टर से वाराणसी के गंजारी पहुंचेंगे, जहां वो वाराणसी के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे। इस दौरान मंच पर पीएम के साथ बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी, सचिव जय शाह और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी अपने 42वें वाराणसी दौरे में लगभग 6 घंटे वाराणसी में रुकेंगे और हर बार की तरह इस यात्रा के दौरान भी प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र को कई उपहार देंगे। गंजारी से पीएम संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय पहुंचेंगे। वो यहां खेल मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें सिर्फ महिलाएं शामिल होंगी। दरअसल लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पास होने के बाद ये पहला मौका होगा जब पीएम सार्वजनिक रूप से महिला आरक्षण पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश में बने 16 अटल आवासीय विद्यालयों का भी उद्घाटन करेंगे, साथ ही संसद सांस्कृतिक महोत्सव के विजेताओं के साथ भी समय बिताएंगे। सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में पहले पीएम अटल आवासीय विद्यालयों के छात्रों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे और फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़कर प्रदेश में बने 16 नए अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। पीएम मोदी 2014 में पहली बार वाराणसी से सांसद चुने गए थे, तभी उन्होंने काशी का विकास क्योटो की तर्ज पर करने का वादा किया था। उसी वादे को पीएम निभा रहे हैं और पूरी दुनिया में वाराणसी की पहचान अब सिर्फ सांस्कृतिक या धार्मिक शहर ही नहीं बल्कि विकसित शहर के तौर पर भी बन रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।